और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं। अधिकारी, जब पत्रकारों को एक मशीन की डेमोंस्ट्रेशन दे रहे थे तो उसमें देखा कि एक नंबर पे बीजेपी था, जब एक नंबर दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया, ठीक है। फिर चार नंबर दबाया, चार नंबर कांग्रेस का था, उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली, जबकि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली। फिर दो नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उसपे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। कल का ये जो इंसिडेंट है ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले अभी असम में चुनाव हुए थे वहां पे एक मशीन निकली, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था। उसके पहले दिल्ली कैंट में चुनाव हुए थे यहां पे, उसमें एक मशीन निकली, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था। अब अगर हम ये कहें कि भाई मशीन खराब हो गई होगी तो कोई खराबी कभी, कोई मशीन कांग्रेस के लिए भी तो खराब हो, कोई मशीन समाजवादी पार्टी के लिए भी तो खराब हो। सारी मशीनें जब खराब हो रही हैं तो बीजेपी के लिए क्यों खराब हो रही हैं? भाई अगर एक मशीन खराब हो गई कभी बीजेपी को वोट डले, कभी कांग्रेस को एक मशीन का, कांग्रेस को एक मशीन का समाजवादी, सारी मशीनें खराब होती है तो बीजेपी को एक वोट क्यों पड़ रहा है? तो इसका मतलब ये मशीनें खराब नहीं हो रही हैं। मैं भी टेक्निकल आदमी हूं, आईआईटी से इंजीनियर हूं, थोड़ी बहुत ये टेक्निकल समझता हूं। मशीन जब भी किसी तरीके से बिहेव करती है तो अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो या तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अंदर मशीन के अंदर टेम्परिंग की गई। भाई मशीन को क्या पता बीजेपी कौन है, कांग्रेस कौन है? मशीन अगर सारी वोट बीजेपी को दे रही है तो इसका मतलब कि मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर बदला गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी मशीन टेम्पर नहीं हो सकती, हमारी चिप जो है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उस पर लिखा नहीं जा सकता, ये सरासर गलत है। उस मशीन का सॉफ्टवेयर बदला गया है, मशीन के सॉफ्टवेयर में ये डाला गया है कि भाई कोई भी वोट डाले, कोई भी बटन दबाए बीजेपी को वोट पड़ेगा। इसका मतलब ये, अच्छा दूसरी चीज ये, इसका मतलब जो इलेक्शन कमीशन कहता है टेम्पर नहीं हो सकता, मशीनें टेम्पर हो सकती हैं और मशीनें लार्ज स्केल के ऊपर टेम्पर हो रही हैं। दूसरी चीज ये, जब भी ये कैसे पता चलता है, ये कैसे मशीनें निकली? किसी भी चुनाव के पहले पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते हैं, उनके सामने 20-25 मशीनें रख देते हैं, कहते चेक कर लो। वो बेचारे मशीनें आधा पौना घंटा चेक करते हैं, उसमें से एक मशीन निकल आती है। दिल्ली के अंदर अब 12,000 मशीनें यूज होने वाली हैं, कोई 12,000 मशीनों की चेकिंग थोड़ी करता है। तो अगर एक मशीन गड़बड़ निकली इससे शक पैदा होता है कि दूसरी मशीनें भी गड़बड़ होंगी। तो जब जब एक मशीन गड़बड़ निकलती है ये उस एक मशीन को बदल देते हैं, बाकी मशीनों की चेकिंग नहीं करते। तो अगर एक मशीन में गड़बड़ है तो इसका मतलब बाकी मशीनों में भी गड़बड़ होगी, उनकी चेकिंग क्यों नहीं की गई आज तक? दूसरी बात, जब भी इस किस्म की बात होती है मशीन बदल देते हैं। मैंने अभी यही कहा ऊपर, मैंने कहा जी आपने असम के अंदर मशीन कोई भी बटन दबाओ अगर उस पे जा रहा था, आपने मशीन खोल के चेकिंग करी भाई इसका सॉफ्टवेयर तो नहीं बदल गया? उन्होंने कोई चेकिंग नहीं करी। कल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, उन्होंने चेकिंग करी भाई इसका सॉफ्टवेयर के बदल तो नहीं गया? कोई चेकिंग नहीं करी। दिल्ली कैंट के अंदर हुआ, कोई चेकिंग नहीं करी, मशीन बदल देते हैं। तो जब आप चेकिंग ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा सॉफ्टवेयर कौन बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर बदला जा रहा है? तो पूरे के पूरे जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर तो इतनी सारी घटनाएं घटी हैं कि ये ईवीएम की मशीनें जो हैं ये पूरे हमारा अब ऐसे हो जाएगा कि कोई भी वोट डाले, किसी को भी वोट डाले बीजेपी वाले जीतेंगे, बीजेपी वालों की सरकार बनेगी, कमल का ही फूल कीचड़ में से कमल का ही फूल निकलेगा ईवीएम के कीचड़ में से। सर डिमांड क्या करी आपने? क्या हमने उनसे डिमांड करी है कि पेपर ट्रेल दोबारा इस देश के अंदर लागू किया जाए। और पहली चीज तो ये की जाए कि ये जो तीन घटनाएं हैं
इनकी टेक्निकल जांच हो और ये बताएं कि सॉफ्टवेयर में क्या कोडिंग में गड़बड़ की गई थी, और अगर सॉफ्टवेयर में कोडिंग में गड़बड़ है इसका मतलब सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था कि भाई रीडेबल नहीं है चिप, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उस पर लिखा नहीं जा सकता, इसका मतलब पढ़ा भी जा सकता है, राइटेबल भी है चिप, रीडेबल भी है चिप, और धोखा हो रहा है देश के साथ। सर, तो हमने उनसे यही कहा है कि डेट बढ़ाने के लिए भी क्या कोई आप लोग हमने बहुत ये है एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।